अवाजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंथ लंदन। नासींदे निगाह पहरी कज पिरियां दे अहवाल आजदन जा अखज लगला रोज निहारन राह अखियूं अवां जे आसरे भलारे भिटदण जे भलारे बैत सा मुझो ही आवाज मुसाफिर रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन ता थिए दुनिया जी कुंड कुर्स ताईं जहाँ जहाँ मागबुद जे पियो उन्होंने मिर्णी मेहरबान के सिक मेरे सलाम शाल कबूल पवे। 8 फरवरी 2024 खमीस जनी है प्रोग्राम सोच विचार सान करे आऊं अमा जी खिदमत में हाजिर आवा जो पे जो मेजबान हबीब लगारी। प्रोग्राम जी शुरुआत में अमा लई हाई दुआ त शाल जित हो जो सुख सलामती साव जो कदे भी रुको नी न दिसो आई कदे भी अमा जो मुरकु मेरु न थिया ना दुनिया जी कुंड कुर्च में जिते भी रहो सिंध लाए सिंध वासन लाए दुनिया जे मजलूम मान लाए जा खोड़ींदा रहो शाल अमा जा ख्वाब तबीरन सा लाऊं लही सकन। साई मुझा पाकिस्तान में नेठ इलेक्शन जो डी भी अची पहुतो आहे अज समूरे देश समेत सिंध जा मानू भी पंजे वोट जो हक इस्तेमाल कंदा आए असी भी इहा ही उम्मीद करे सकूं था त शाल ही इलेक्शन भी पूरा मन थे शाल कजी हयाती न वंजे। नूरुल हुदा शाह जी गाल वांगुर त कारकुन काठन वांगुर हुंदा आहिनि जिनखे ॿारे सियासतदान हथ सेकींदा आहिनि बेशक ईअं रहियो आहे पर पाण चाहियूं था त कारकुन बाहिफ़ाज़ ऐं सलामत हुजनि। पाण इहो बि चाहियूं था त शाल दादली न थिए ऐं हक़दार उहे जेके सिंध जा बाशौर फ़र्द आहिनि उहे कामयाबु थी साम्हूं अचनि उहे माण्हू जिन्हनि वटि के वॾियूं गाॾियूं बि न आहिनि पर हुन वटि दिलि आहे ऐं हू दिलि जा सौदा कंदा आहिनि ऐं दिलि जा जादूगर आहिनि। हूअ सिंध वासियुनि जे फटनि ते मरहम रखण जी सघ रखनि था हू अकेला हूंदे बि जॾहिं बीहनि था त हज़ारनि जे मट हूंदा आहिनि पर हुन जी भेट में हिकिड़ा उहे माण्हू आहिनि जेके मुसलसल इक़्तदार सां ईअं ई चंबड़ियल रहिया आहिनि जो इक़्तदार खे छॾण जो त नालो ई नथा वठनि। हुन लाइ कुर्सी सभु कुझु आहे हुन लाइ दीन बि कुर्सी आहे दीन बि पैसो आहे त ईमान बि पैसो ऐं कुर्सी आहे। हू चाहिनि था त असां वटि ताक़त हुजे असां वटि इक़्तदार हुजे ऐं असां वटि हर शइ हुजे अछे कार जा मालिक फ़क़्तु असीं हुजूं। हुन लाइ न त सिंध धरती माउ जो दर्जो रखे थी न वरी हूअ वतन सां वफ़ा जा वचन निभाइनि था। हू त हिकिड़ा अहिड़ा सौदागर आहिनि जेके 5 सालनि खां पोइ ज़ाहिर थींदा आहिनि अचो त अॼु उनखे रदि करियूं अचो त सोचूं पंहिंजे ईंदड़ नसल लाइ अचो त सोचूं पंहिंजे मासूम ॿारनि लाइ उहे मासूम ॿार जेके पंहिंजा आहिनि जेके हिन धरती जा मासूम ॿार आहिनि जंहिंजे पेरनि हेठां जुती बि नाहे उहे नियाणियूं जेके माउ जो दर्जो बि रखनि थियूं माउ जे पेरनि हेठां जनत त बराबरि आहे पर उहा माउ जुती खां महरूम आहे हुनजे चोले खे जतियूं लॻियल आहिनि अचो हुन लाइ सोचूं अचो तब्दीली जो आवाज़ु बढ़जूं त जीअं इनकलाबनि जा नवां सिज उभरी पवनि। लाड़काणे जी सरज़मीन तां डॉक्टर सुरेश होत चंदाणी लिखे थो बेयकीनी अभामनि जे तूफ़ान में गहरियल वरण दंगलनि खां पोइ सुप्रीम कोर्ट जे टियाकड़ी जे नतीजे में ऐलानियल इलेक्शन 2024 जी तारीख़ बि अची पहुती आहे। आइन मूजिबि इलेक्शन वारे ॾींहं खां 36 कलाक अॻु इलेक्शन मुहिम ख़तमु करणी हुई ऐं उहा नेठि पुॼाणी ते पहुती ऐं उहो ॾींहुं बि अची वियो जंहिंखे पाण इलेक्शन जो ॾींहुं चऊं था। 2024 जी इलेक्शन जेके ॾींहं ॾेखारिया ऐं घणनि चेहरनि ते पियल परदा हटाया जिते इलेक्शन जी उमेदवारनि जी असलियत ज़ाहिर कई आहे उते इलेक्शन थियण में रुकावटूं विझंदड़ चहिरा बि बेनक़ाब थिया उहो तमाशो बि दुनिया ॾिसंदी रहे। सच ऐं कूड़ बाबति यूट्यूब जे वीलागर्स पारां पंहिंजे पंहिंजे पसंदि जे लीडर ऐं पार्टी खे ज़ू माना में सही ऐं मुख़ालिफ़ लीडर ऐं पार्टी खे हेठि करण जी कोशिशि में ज़बरदस्त दलीलनि जी भरमार हुई पर उन सॼे प्रोसेस में अवाम जे वसीलनि जी कीअं केतिरी फलूट कई वई ऐं बेरोज़गारी महांगाई जी पीड़ियल अवाम जे मथां महांगाई जा बम बि किरंदा रहिया। उन इलेक्शन जी धमाचौकड़ी में पाकिस्तान जी अवाम जी बेवसी वारी हालत कंहिं बि न वीलागर्ज़ जे कलम जो मौज़ू बणिजी सघे नई इक़्तदारी
कॉरिडोर जो शौकीन की अवलियत में शामिल थी सके, वो बात उन पर नागवार गुजरी जिसका सारे फसाने में जिक्र न था। जैसे कें गालो या लिखो या वरी एहतजाज कयो उहो रात पेट में या तो गायब थी वो या जेल हवाले थी वो खलक वाड़ी परेशान रही आई पुछंदी रही कोई आहे जो को सच चवे पर न कें सच गालो न कें आवाम के हाथ थी डिनी बस छहत्तर साल का जे तजर्बा कया पा वन उनके रिजल्ट अखन अग्न है पर उनके समझण ही बेहतर करण की कें भी कोशिश न कई पान पंजा अगवान चाकी के दांत या अखियन मालकन तरफा पट्टी बधी पिया गोल फिरन घाणे में आवाम के हड्डन में रहल रत फुड़ू भी कढ़ लिया तान कूड़ा सामी न पंत जवानी नवा नकोर नफर पुराना डायलॉग नारा आसरा दे खल्क में काहे पियान खल्क जका बेरोजगारी बदमनी महंगाई के टे तरफी वेधन में वकोड़ियल है जिन हाँ सवाल मथा सवाल कर शुरू कया उम्मीदवार के संदन पारा कल वायदा वचन याद कराए खेन वोट वठण ले हथ जोड़ी ते मजबूर कर विधो है अड़ा बयान फोटू पे अखियन से ऐसू पा जैमें इक्तदार में रहदड़ उम्मीदवार आवाम के हथ बधी अर्ज पो करे असा का कोतायू थन हाँ उनो अजालो किया वो कोतायू कड़ी थन उन बस ये चेजे त अखें उभ पो रिसजे इंसाफ ले पान पतोड़ीदड़ न्याणी उमे रुबाब लिखे थी मुझा भैरो यकीन यो तकलीफ तो मरल होंद कंजो खानदान उजड़ी वे एक पी आई बिन पुटन जा लाश किरण दरख्वास्त खी थाने वजे तो कोई एफ आई आर दाखिल न करे टिन लाशन की एफ आई आर ले जिगर गोशन जा लाश खी धरना हणा पवन केस दाखिल थे तो को केस न बुधे विरह गुजरी वन इंसाफ न मिले सोचो तो इन धरती जो साधु केतरो मजबूर है कातर रसन कड़ो ताकतवर है भगत कबीर है कबीरा तेरे जगत में उल्टी देखी रीत पापी बेठा राज करे और साधु मांगे भीक मुझा भैरो इलेक्शन जो ढी पांजो वोट दियण वक्त थोड़ो सोचो जरूरत किथे तवहां कें कातल रसदन के वधिक ताकतवर तो न पा करो एक भेरो बीहर सोचो वरी ये कातल कें उमे रबाब जो खानदान कोंदा वरी ही कूड़ा जमूरी जा दावेदार उनजा भरजला थींदा वरी ही निज़ाम उन उमे रबाब की राह में रुकावट विझद कातल रजन उन न्याणी ना डिसी मुछू वठींदा मुझा भैरो वोट दियण वक्त यो जरूर सोचो तो नस्ल का तुम इन जागीरदार जा गुलाम छो आयो तवाजा बच्चा तवाजो न्याणी छो न सुख जो टुकर खाई सको हर भेरे तवाई छो बुडू था पांजे बच्चन के पेर की चप्पल न वी सघण वारा तुम कंजी ताहियात तख्त जा दुआगू छो आयो अचो तंजे पान का सवाल करूँ अचो ते जागीरदारी निज़ाम खिलाफ वोट दियूँ सिंध के सरदारी निज़ाम में आज़ाद करूँ इलेक्शन का अग ही उनवान हेठ खूबसूरत लेखक इर्शाद लगारे लिखो अज इलेक्शन जो डी है हर भेरे जिया पथरायल आसर ने उम्मीदन जे अभरे सबरे हाल में थींद उन इलेक्शन मुहिम दौरान हेस तई काफ़ी दहशतगर्दी जहा वाकया भी थींदा रहा उन वाक्य के तनाजुर में केतरा ही तबसरा ये भी हुआ तो इलेक्शन मुलतवी थी सके थी पर ये न थो आई पोलंग थियण वाली है पा बेहतर समझू था उन अमल के जमें इलेक्शन मुलतवी कराने वाली हरकतू या किन हदा थींदड़ फरमाइशू नाकाम थियं आई इलेक्शन थी रही है पान सब जानू था तो मुल्क इन वक्त जहाँ संगीन मुआशी तोड़े सियासी सूरत हाल में गुजरी रही है तमें एक चूंडियल अवामी इंतजामकारी का सिवाय सूरत हाल अना वेतर खराब थियणी हुई आई उन इम्कान के हिता की इस्टेब्लिशमेंट पिण चंगी रीत जा तो पे बहरहाल जे भी थो बेहतर थो जो मुल्क अवामी इंतजामकारी के हवाले थियण वो है आई उ निगरान जिन लिए अवाले डीह में यह गुमान आम हुआ तो एक डिघो अरसो वेह आया हैं से वही घर आरामी थींदा हाँ उतना इो वरी साग सवाल सामूँ तो अचे तो इलेक्शन का पोई वाजह कंदा हलूँ तो उ सवाल माजी की भेंट में हेल अना अहम थी सामूँ अचणो है जो हेल की इलेक्शन मुहिम दौरान सियासी अगवान जो चेहरा बुधाए रहा हुआ तो उ अवाम संज के वायदा कर रहा है तिन में जैसे डह वी सैकड़ों भी वफा थी सकिया तो वही गनीमत थी जाहिर है जैसे अवाम से कल वायदा वफा न थींदा तो बुहरान वो
उन करे हेल मरकजी हुकूमत जैके भी मिली हु काट में हों दो इस्लामाबाद में एक साफी दोस्त तहदी है बुधायो पे तो मियाँ नवाज शरीफ के कुछ वेझा दोस्त या सलाह दे रहा है तून लीग के मरकजी हुकूमत का पास हो करण घुर्जे जेतुणीक अजा पा पक सा तो यह गाल नथा चई सकूँ तो मरकजी हुकूमत की वाग कंजे हथ में ही दी पर जै तरीके से मियाँ साहब के वापस आंदो वो है तमा तासर यो वही बीठो है तो पंजाब में तहरीक इंसाफ जो असर घटाने लाइ पुराने मल के आजमाय वो तो मरकज में खेस इन भेरे नाकामी मिली त संदस सियासत सदाई ने खत्म थी वी उन सीधो सो फायद पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के इहा तो थी खैर ख्वाहन जी मियाँ साहिब की सलाह पर मियाँ साहिब की इक्तदारी मिजाज का वाकुफ़ हल्कन की इहा राय है ता भी थी पवे पर मियाँ साहिब वजीर अजम की कुर्सी लाए मरी मथो डींद उहो इन करे जो जै डी का खेस खुआर कर लाथो वो तै डी का उन यो तय किया हो तो एक भेरो ही सही पर हु इमरान खान के बीहर वजीर अजम थी ॾेखारी जै इमरान खान खेस घर भेड़ो कराए वजीर अजम थी ॾेखार हलो हाँ फर्ज था करूँ तो मियाँ साहिब वजीर अजम थी वो तो इन सवाल जो इन वक्त जवाब वाजे है तो पंजाब में बुहरान वधंदो सिंध के तो हलो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी हलायो पई अचे तीए पई हलाइंदी पर पंजाब में मामला बिगड़ा इतने पा फिलहाल बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र इन कर नथा करूँ जो उई सूबा वे अरसे का सीधी रीत साहिब पानी संभाले रहा अग्या भी उन्होंने बिन्हीं सूबन जो जे हालतू नजर पी अचन तिन के ऐसी वाज है उन सूबन में साहिब भल कें भी खटरन पर वागू संदनी हथ वस रहंदू हाँ बाकी पंजाब जो इन वक्त इस्टेब्लिशमेंट के मथे जो सूर बनल है सो वेतर बुहरान के वर चढ़ंदे नजर अची रो है उनो बुनियादी सबब इो है तो पंजाब जो नौजवान नसल मियाँ साहिब के पसंद न तो करे आई अड़ी नापसंदीदगी इमरान खान की जेर यात्रा का पे वेतर वधी वही है बे पास चवण वारा इो भी ची रहा है इमरान खान के इं डिघो अरसो लावारसी में रखण पिण दुख्यो है जो इमरान खान जा असल वारस संदस जमानतू हर हाल में कराए वा हाँ फर्ज कर इमरान खान जर इलेक्शन का पे जमानतन से आज़ाद थी पवे तो नवाज शरीफ के सुख से वेहण दींद बिल्कुल भी न इमरान की तबियत में ही माठ कर वेहण ना आयू जी बाहर निकतो तो पंजाब में मियाँ साहिब की वापसी वाला डी गणजण शुरू थी वा इन मुल्क यो मशहूर है इतने का भी सियासी अगथी नी कर सकते सो पान भी हेल तई नजर इंद इम्कान गाल बाकी वाग वरी भी साहिबन के वस है हे खूबसूरत लेख अस अवान की समातन की नजर कर रहा हुआसें जो लिखल हुई इरशाद लगारी जो अवी बुध रहा आयो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन अवा की खिदमत में प्रोग्राम पेश कर पो वे सोच वीचार इन सोच वीचार के सफर में आऊँ अव से मुखातिब अजो मेज़बान आया हबीब लगारी पीपल्स पार्टी का यारह सवाल के उनवान हेठ हैदर जावेद सैयद लिखे तो मुल्क के आम चूंडन में किरोड़े मानू पंजे राय जो हक पसंदीदा जमायत या आज़ाद उम्मीदवार ले इस्तेमाल कंदा वोट डींदड़न जी समाजी इखलाकी जिम्मेवारी है उहे आयन में डियल सियासी समाजी मुआशी मजहबी हकन से टकराव में ईंदड़ नजरिया रखंदड़ जमायतन अड़ी नाकारी सोच रखंदड़ आज़ाद उम्मीदवार के रद्द कर छदीन वोट दियण वक्त उ भी जहन में रखो वे तो संद राय दियण वे हक से जिहादी व्यापारियों फिरके वाराणा तसुब तशद के हौसले अफजाई कदड़न के फायद न पहुंचे दर्जन नपर समय भेरा इन सीटन में अर्ज कर चुको आया तो सिक्योरिटी स्टेट से पैजन हकन जमहूरी निज़ाम वन वेहण बदर तहमुल बुर्दबारी से पुरमन जदोजहद वोट की पर्ची जरिए मंजिल हासिल कर सकते थी हाणोक डीहन के कुछ अदालती फैसलन खास तौर से उदत में निकाह वे केस के फैसले के बारे में कुछ अर्ज कर जरूरत ना है सवाए उन नानी कसम कीता भेड़ा कीता छड़ दिता उस तू भी भेड़ा कीता रियासत जका पोख पोखी हाने पानी लूणी खाए पंजन पोखियल फसलन के लाबारे उन्हें खुराक जो हिस्सो ठाण से रियासत कड़ी बीमारी में मुबतला थी घट में घट मुख्य हमजाद फकीर रहम के उन दिलचस्पी ना है
बाजार अरण जे चूंडन खाग जड़े रियासत जे ताकतवर निमेदन साफ़ ने संजा वंदन के मुल्क सूरत हाल ई चूंडन जे माहौल ते गाल बोल दावत डिनी वही हुई ता अड़ी एक मुलाकात में जेका लाहौर में थी। आऊं उन वक्त द फ्रंटियर पोस्ट लाहौर जो एडिटर होस तमो अर्ज कयो हो ता अज तहां मैदान खां बाहर भी पंजी नापसंदगी सियासी मान जा पटका पोतियों इज्जतों थुडण ते खुश थी रहा आयो पर उहो डी तेजी से ईदे महसूस कर रो आया जैसे वो लश्कर पोते मोटी तवा के गुथो गाल गदार चवे तवाज नगन के बारे में सस्ता बाजारी जुमला चवन बहरहाल जो थी रो है उन सभी की जिम्मेवारी रियासत तरफ अचे थी। फिलहाल असं इन वक्त के मौजू ते गाल था 10-15 डी अग पीपल्स पार्टी की क्यादत के उस्मान गाजी की मार्फत कुछ सवाल मोकलिया हुम उन सवालन के हाने इन कॉलम में पढ़ने लाइ लिखी रो आया। पीपल्स पार्टी की क्यादत सिर्फ उन साफिन का मुतासर थी है जी उन कपड़ा चौंक में लाहिंदा उनके धरती के गोले की सब का वही बुराई बणा पेश कदा कें जमायत या सियासतदान जो यो हक है तो वो कें सवाल का जवाब दे या न दे जोर जबरदस्ती बिल्कुल ना है। प्यारे उस्मान गाजी के तोस से पीपल्स पार्टी के मोकिल सवाल पैं पढ़ी वो पोए मुख्तसर तौर पी गाल ताजी खिदमत में पेश करें तो। नंबर एक पीपल्स पार्टी दिफाई खर्चन में तवाजन आन डिफेंस पेंशन के सिविल बजट का वापस दिफाई बजट में शामिल करण ले कड़ी हिकमत अमली जोड़ी है। याद रहे तो 2008 का 2013 के विच में पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई पर उन मामले के नज़रअंदाज किया वो। नंबर ब पाड़ेसरी मुल्क से बेहतर समाजी सिफारती आई मुआशी लागापन में रंडक बनल इस्टेब्लिशमेंट की अजारादारी के खत्म कर पार्लियामेंट की बालादस्ती किए कायम कई वेंदी। नंबर टे पीपल्स पार्टी एक सोशलिस्ट पार्टी है या सोशल डेमोक्रेट पार्टी। नंबर चार छा घट वक्त के बावजूद पीपल्स पार्टी तरक्की पसंद जमहूरी जमायतन के सियासी इतिहाद के मुस्तकिल सियासी अमल जरूरी न थी समझे। नंबर पंज वफाक सूबन में हुकूमत ठाण पीपल्स पार्टी की दावा पैंजी जाए थे पर सेंट्रल उत्तरी या मथे पंजाब में पीपल्स पार्टी किथे बीठल है। नंबर छः पीपल्स पार्टी पंजाब जो स्टडी सर्कल रोशन ख्याली की तरवीज बदरा मजहबी तासुब के छो वाध दींदो है। नंबर सत चूंडन लाइ पीपल्स पार्टी पंजे जमाय के कारकुन क्लास के केतर उम्मीदवार के टिकटू डिन्यू आन जनरल इलेक्शन लाइ औरतन की 5% हिस्से की पाबंदी कई वही है। नंबर अठ छा मौजूदा हालतू नई इमरानी मुआदे जो घुर्जाऊ हैं। नंबर नौ इस्टेब्लिशमेंट की छटी हेठा वधायल विझायल पालल निपायल नफरतन तसुब का आवाम के कि निजात दियारे सकिए थे। नंबर डह इमरान खान खिलाफ तहरीक अदम इस्तेहकाम आन अपोजिशन जो जमहूरी हक हो पर उन हक के इस्तेमाल से इस्टेब्लिशमेंट के महफूज रस्तो न मिलो धोतल बोतल कान बणजी वही। नंबर 11 पीपल्स पार्टी की 10 नुकाती चूंड मंशूर में सरेके सूबो शामिल कोन है। सरेके वसेब जा वोटर पीपल्स पार्टी के कड़े बुनियाद से वोट दियन यह 11 सवाल इन सिटन में पढ़ने लाइ लिखण जो मकसद यो ही है तो उन सवाल का जवाब दियण की पीपल्स पार्टी जहमत कान कई करण भी न घुर्जी हा छो तो सवाल मोकिलींदड़ साफी नतका तोप जड़ी शै है नई उन कदें दिल खोले गारियों दियण से गडा पारा शरीफ का फराहम कल दस्तावेजन नुकतन के तजियन कालमन जो हिस्सों बणाय सियासी जमायत शख्सियतू यकीन कंजों पाबंद ना नई वरी जवाब ले जोर जबरदस्ती कर सकें थी। जैस तीन चूंड अमल के मुख्तलिफ़ मरहल में कल दावाओं जो तालुक है तो उ दावाओं चूंड के आखाड़े में मौजूद सभी पहलवान जमायतू कन्दून। असो महबूब कायद कामरेड मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हाणोकन डीह में मोटरवेज अस्पतालों यूनिवर्सिटियों विरहाय रो है। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों लखें घर लखें लैपटॉप वगैरह दियण जो भी इरादो अथस। एक बे अगूणे हुकुमरान जमायत तहरीक इंसाफ चूंडन जो मंशूर दई छो है पर बुनियादी सवाल यो है तो उन वक्त जगह मुल्क में सियासी मुआशी गैर जटादारी है या जै समाजी अबतरी के मुँह दियण पैजी रो है उन आवाम के कि निजात दियारी वी। महंगाई आसमान से गाल रही है पीडीएम इतिहादी पंजे 16 महीन के इकतदार में महंगाई में तेरे जेतरी कमी भी कराए नहन सकिया हाने उन्हन मा पीडीएम इतिहादिन कह जमायत के फर्ज करो तो हुकूमत ठाण जो मौको मिली भी वे
त उहे महांगाई कीअं घटि करे सघंदा? जेकॾहिं महांगाई घटि नथी थिए त छा माण्हुनि जी कुवत ख़रीद खे बहितर बणाए सघिबो? ज़ाहिरी तौर ते उन्हनि ॿिन्ही ॻाल्हियुनि जो जवाबु नफ़ी में आहे। छो त 8 फेबरवरी खां पोइ जंहिंजी बि हुकूमत ठहंदी, उहा जमायत ऐं हुकूमत पंहिंजा वसीला किथां आणींदी जो माण्हुनि जी कुवत ख़रीद खे बहितर बणाए सघंदी? मुस्तक़बिल में जंहिंजी बि हुकूमत ठही, उनजे साम्हूं दाख़िली मसलनि खां सवाइ ॿिया बि मसला मौजूदु हूंदा। पाकिस्तान जे चइनि पाड़ेसरी मुल्कनि मां हिकु सां असांजा लाॻापा नफ़रतनि जे वापार जो अमली नमूनो आहिनि। ॿिए पाड़ेसरी अफ़गानिस्तान सां लाॻापनि जी इहा हालति आहे जो असांजी इस्टेब्लिशमेंट पंहिंजी चौधरायपल तबाहियूं ख़रीद करे वरितियूं। अधु सदी जी अफ़गान पॉलिसी सां पाकिस्तान खे 650 अरब डॉलरनि जो नुक़सानु थियो। ॿिए तरफ़ अफ़गाननि जी हालति इहा आहे त उहे पाकिस्तान खे दिलि खोले घटि वधि ॻाल्हाइण ऐं पाकिस्तान में तक़रीब कारी कंदड़ अनासर जी सरपरस्ती खे शरई फ़र्ज़ सम्झनि था। टें पाड़ेसरी ईरान सां माज़ी में कॾहिं सुठा लाॻापा रहिया हूंदा, पर अॼु ॿई मुल्क इन हवाले सां किथे बीठल आहिनि, उन ते कंहिं डिघे बहस जी ज़रूरत न आहे। चोथो पाड़ेसरी चीन आहे। पाक चीन लाॻापा बेतमादी जो शिकार आहिनि। उन बेतमादी जो सबबु असांजो अमरीका नवाज़ पॉलिसियूं आहिनि, जेके गुज़िरियल कुझु सालनि में सिपेक मनसूबे ते पिणु असरअंदाज़ थियूं आहिनि। पीडीएम ऐं इतिहादी हुकूमत 16 महीननि जे इक़्तदारी दौर में चीन सां एतमाद साज़ी वारे मामले में अॻिते वधी न सघे। इलेक्शन खां पोइ वारो मंज़रनामो जेको मूं सेखड़ाट शागिर्द खे सम्झ में अची रहियो आहे, उहो हीअ आहे त शायदि ई का जमायत अकेले सिर हुकूमत ठाहे सघे। गॾियल हुकूमत जा इम्कान रोशन आहिनि। उहा घणे वक़्त ताईं हले थी, उन ते बहस जे बदिरां हिन मामले ते वीचारण जी ज़रूरत आहे त छा मुस्तक़बिल जी गॾियल हुकूमत वटि अहिड़ी इख़लाक़ी ऐं सियासी क़ुवत हूंदी जो उहा दाख़िली ऐं ख़ारिजी मसलनि खे हल करण लाइ अॻु भराई करे सघे। हीअ ख़ूबसूरत लेख असीं अव्हां जे समातनि जी नज़र करे रहिया हुआसीं, जेको लिखियलु हो हैदर जावेद सैद जो। अवीअ ॿुधी रहिया आहियो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अव्हां जी ख़िदमत में प्रोग्राम पेश कयो पियो वञे सोच वीचार। सोच वीचार जे हिन सफ़र में आऊं अव्हां सां मुखातिबु अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान आहियां हबीब लगारी। प्रोग्राम सोच वीचार में हाणे शामिल करियूं था ख़ूबसूरत शायरी जेका सूर्या सिंधी ॾियारे मोकिली आहे ढाका बांग्लादेश मां, जंहिंजो उनवान आहे नेड़ी में अटकियल सुॾको। रातो की बर्फ़बारी सबबु रस्ता अञा साफ़ न थिया हुआ, सफ़ाई जो कमु हलंदड़ हो। रस्ते जे ॿिन्ही पासनि वारा घर, दुकान, नंढियूं वॾियूं इमारतूं बर्फ़ जी अछी उजरी चादर सां ढकियल हुयूं। रस्ते सां सफ़ाई जो कमु जारी हो। रांझन ड्राइविंग करे रहियो हो ऐं हू बग़ैर कंहिं अहसास जे ॿाहिरि ॾिसी रहियो हो। 12 सालनि जो अरसो सिंध बदरी में कीअं गुज़रियो, सोचींदे साह असल मुठ में अचियो वञेसि। पेरिस जहिड़े शहर जूं हुसनाकियूं बि खेसि पंहिंजो करे न सघियो। सिंध जा ॻोठ, बनियूं, बारा, कचा पका घर, बसनि में सफ़र कंदे मुंहं ऐं नासनि में पवंदड़ धूड़, हवाउनि जा हुगाव, मेंदी जे खेतनि मां ईंदड़ मन महकींदड़ महक, अंबड़ियुनि जे ॿूर जी सुगंध, रसीरनि पट पीरुनि जी लालाई, सिंधू दरिया जे छोलियुनि साध ॿेले जी थदकार ऐं माण्हुनि जी मुहबत जो बि भलाको मट थी सघे थो छा? राजन मुसलसल चुपचाप गाॾी ड्राइव करे रहियो हो। हुन राजन ॾे ॾिठो ऐं राजन हुन ॾांहुं। ॿिन्ही जे अखियुनि में अजातल अहसासु, शायदि ख़ौफ़। गुज़िरियल हफ़्ते 17 डिसंबर 1735 जनम ॾींहं ते ॿिन्ही गॾिजी ॾाढो पीतो हो, एतिरो जो साझांदो करण बि विसारे वेठा हुआ। बोतलूं खाली थी वियूं हुयूं, नशो त परे रहियो, पर ठला खुमार बि सिंधन अखियुनि जे वेझो बि न आया हुआ। ॿई 12 साल अॻु वारी सिंध कोंपरस सियासत पीउ सुमेत सिंधन खंभजण, पीउ जो चचर लाश खंभजण खां पोइ सिंध बदरी ऐं अमड़ जे कुमहले मौत, ॿारनि जीवन साथी जे विछोड़े बाबति ॻाल्हाए रहिया हुआ। पीउ जी शहादत खां पोइ अमर जी वफ़ात संदन जीव झोरे विधो। संदन हथनि में गिला सुआ त अखियुनि में गूंगा ॻोढ़ा। गूंगनि ॻोढ़नि खां पोइ सुरकनि जो हिकिड़ो अण खुटंदड़ सिलसिलो। परचाए त परचाए केरु, आथत बि भला केरु ॾे। हिक ॿिए खे ग्राठड़ी पाए परचाइण जी कोशिश में ॿिन्ही जा ॼण हांव थिए फाटा। घड़ी खन लाइ बखे पइजी पए विया त ॿी घड़ी हिक ॿिए खे हां पाण छॾाए सुफ़े में मुंहुं लिकाए मथां बांह ॾेई रड़ियूं पिए कयूं।
फ्रिज में रखियल सब बोतलू खाली थी व्यू हुई पर पोए भी मन रूह उबाणको केडी महल अमण जो विछोड़ो असस कुले कांदी न थियण जो अरमान मन पाताल मां निकरी दिल दिमाग के चीरींदे सदन सुरकन जो सब पे बणियो त केडी महल बचण जे बारोतण बातन बोलण जे एहसासन जी महरूमी अदर में वढ पे विधन वो शराबी आदि पींदड़ न हुआ पर एक बे जे जन्म ॾींह ते या अबे अमण तुड़े अराजन जी वनी जी शाद जे ॾिहाड़े न चाहींदे बि पीअंदा हुआ पंहिंजे महरूमियुनि सिंध जे सुरनि जी सट सहण जी पाण में ताक़त न सम्झंदे पंहिंजे दर्दनि खां हल्को या दर्द जे अहसास खां मिराझड़ो करण लाइ हुआ पीअंदा हुआ पर पीअण खां पोइ संदन दर्द जा बख्या धुंधला थियण बदिरां उजड़ी पवंदा हुआ ऐं पोइ संदन हियाउ फाटी पवंदा हुआ हूअ सुरूर हासिलु करण लाइ न पीअंदा हुआ पर पंहिंजनि सुरनि खे सुरूर ॾियण लाइ पीअंदा हुआ मां सिंध वेंदुसि हुन सुफ़े तां उथंदे थिड़ंदे थाबड़जंदे फ्रिज तरफ़ वेंदे पंहिंजे मुंहुं भुणकंदे चयो ऐं फ्रिज खोले बोतल ॻोल्हणु लॻो फ्रिज ख़ाली हो सभु बोतलूं ख़ाली थी चुकियूं हुयूं राजन ॾांहुं तकियो केस सम्झ में न पिए आयो त ससु उन ख़्याल जो इनकार करे असांस हा में हा मिलाए पाण जे गिलास में बर्फ़ टुकड़ा विझी पाण जो पेग ठाहे घुट घुट करे पी वियो ऐं पाण संभालींदे चयई पर यार सिंध जूं हालतूं अॻे खां बि ख़राबु आहिनि सिंध कीअं वेंदे धरती असुलु टामो लॻी पई आहे अञा काल्ह सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां 11 खां वधीक क़ौमी कारकुन खां भॼी विया आहिनि जेको थियो मोहर ॾींदुसि अॻु में कहिड़ो पटियो हुयनि जो हाणे पटींदा हू बि हाणे पाण पाकिस्तानी न पर फिरासी शहरी आहियूं हुन राजन ॾांहुं निहारण खां सवाइ फ्रिज जो दर बंदि करे बाथरूम वेंदे चयो सफ़दर सरकी बि त अमरीकी शहरी हुन फ्रांस अमरीका खां वधीक ताक़तवर आहे छा कंदा मारे छॾींदा न बाबे साईं खे बि मारे छॾियनि न भाजाए खे बि त शहीद कयनि न मां बि मुअस्त घोरियसि बाबे साईं तां सिंध तां साईं जीअं सेद तां हुन राजन जी ॻाल्हि कटींदे चयो मां सची एतिरा ॾींहं न रहां हा हलियो वञा हा जेकॾहिं पासपोर्ट हुजे हा त असां थींदड़ 8 सालनि ताईं सिंध वञी न सघंदासीं त पोइ तूं कीअं राजन पाण जो हिकु गिलास अंदरि उथींदे चयो मां इंडिया जी वीज़ा वठी राजस्थान खां वेंदुसि ससु जुमिरो ॿुधी राजन खां चिरक निकिरी वियो तूं पागल त न थियो आहीं या घणी पी वियो आहीं राजन उथी बीठो कावड़ मां जिस्म में ॾकणी महसूसु कंदे भरिसां वारी भित जो सहारो वठी वरी वेही रहियो मुसलसल सारंग ॾांहुं ईअं तकी रहियो हो ससु अखियूं ॼण फाटी रहियूं हुयूं इहो त तूं ख़ुदिकशी करणु पियो वञी यार हुन पाण खे बेसतो करे सुफ़े ते उछलींदे चयो बाबे जी शादी खां पोइ असां ॿई हिकु ॿिए जो सहारो आहियूं यार तूं त मुंहिंजी चेल जी बि करे छॾण जा रस्ता पियो जोड़ी बसि प्लीज़ कुझु बि न चओ उन बाबति बसि मां वेंदुसि मां सुभाणे वीज़ा लाइ दरख़्वास्त दाख़िलु कयां हुन राजन खे सफ़ा ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾियण बिना पंहिंजो अज़म वरजायो कमरे में सरदराज जी ख़ामोशी में घड़ियाल जी टिक टिक ऐं दिलि जी धड़कण समेत खजंदड़ साहनि जा आवाज़ बि ॿुधण में पिया आया राजन हुन ॾांहुं फाटल अखियुनि सां निहारे रहियो हो ऐं हू बेसत बणियो सुफ़े खे टेकरे ई अखियूं बंदि कयो ॼण आहिलजी पियो हुजे ॿिन्ही जूं अखियूं आलियूं हुयूं ऐं ॻोढ़ा मुसलसल हली रहिया हुआ राजन संस वॾो भाउ हो खेसि ख़बर हुई त हू जॾहिं कंहिं ॻाल्हि ते ॻंढ ॾेई बीहंदो आहे त पोइ खेसि हुन ॻाल्हि त लाहिण कंहिंजे वस में न हूंदो हो सवाइ संदसि पीउ जे संदन माउ चवाणी हू ज़िद पणो संस वालिद खां जीनियाती तौरु खेसि विरसे में मिलियल आहे ॿुध राजन जे भुनके ॼण साथ खे घंटा घर जी राति जे हिकु वॻे वारे ओचते आवाज़ वांगुरु टोड़े विधो ऐं सारंग जे करण में हुनजो पड़लाव गूंजी उथियो ॿुध तूं इंडिया बदिरां ईरान या चीन जे रस्ते छो नथो वञे घटि रिस्की आहिनि ॿई रस्ता हुन राजन ॾांहुं निहारियूं ऐं कुझु चवण बदिरां ॿीहर अखियूं बंदि करे छॾियईं राजन सारंग खां 2 साल वॾो हो पर ॿई हिकु जहिड़ा लॻंदा हुआ राजन 5 सालनि जो हुयो त खेसि वॾो तप थियो हो जंहिं करे हू स्कूल देरि सां दाख़िलु थियो ऐं ॿई भाइर साॻे साल साॻे क्लास में दाख़िलु थिया हुआ संदन भेण राजन खां 2 साल वॾी हुई जेका हिकु दर्जो मथे क्लास में पढ़ंदी हुई पर प्राइमरी जा 5 पास करण खां पोइ 6 में दाख़िला न वरिताईं छो त ॻोठ में छोकिरियुनि जो अंग्रेज़ी स्कूल कोन हो
बे साल बिन्हीं भैरन प्राइमरी पास कयो तो संदन वालद न्याणी सुमेत टिन्हीं के छह क्लास में दाखिल कराए हो। बिरादरी मिटन माइटन की शदीद मुखालफत हूंदे बे संदन वालद पंजी न्याणी के छोकरन के स्कूल में दाखिल करायो। समूरे इलाके में संदन भेणी वाहिद न्याणी हुई जहां अंग्रेजी स्कूल में दाखिला वरती हुई। बिन्हीं भैरन की पाण में मोहब्बत गोठ तोड़े भर पासे के गोठन में मशहूर हुई। वो भैरन का वध एक बे जा दोस्त हुआ। संदन पी माँ पढ़ल गुड़ियल कौमी शऊर रखदड़ हुआ जन संदन तरबियत भी अड़े सलीके से कई हुई। साई जीएम जी सालगिरह हो जिशन लतीफ या कोबियो कौमी काज हुआ पंजन बिन्हीं निगरन वड़ी न्याणी समेत शामिल थीदा हुआ। संदस घर में इल्मी अदबी सियासी किताबन जो जज हो तैदाद मौजूद होंद हो जिनमें साई जीएम सैद आरिसर शेख अयाज मोहम्मद इब्राहिम जोयो नजम अब्बासी अली बाबा सिराज सब किताब शामिल हुआ। संदन अमड़ आई अबे की तरबियत तोड़े घर में मौजूद किताबन की निढड़ी लाइब्रेरी बिन्हीं में इलम अदब तोड़े कौमी सियासत से चाह पैदा कयो। सारंग गीत गजल वाई बैत सरजींदे पजो नालो कुमी शहर की सथ में लिखरायो त राजन सुठियों कहानियों तख्लीक करण लगो। सागे वक्त बई कौमी तहरीक जे बालक विंग का पोए शागिर्दन वाली विंग जा जोशीला अगवान हुआ। कौम परस्ती जी सुती खेन माओ जी थंज से गडी मिली हुई। संदन कुटुंब में केर कसम कोन खणद हो जेकर कसम की नौबत इंदी भी हुई त संदन लाई सिंध साई जीएम जी कसम का को वो उत्तम या उतो कसम होंद ही को साई जीएम या सिंध जो कसम खड़ी का गाल कई त जन उनमें शक की का गुंजाइश बाकी न रही। जैकने अड़ो कसम खड़ी को वचन किया वो अड़ो वचन पान ले जान की भी परवाह न कबी। राजन की शादी पाँगी सोट से थी हुई और सारंग यूनिवर्सिटी में साणस गड पढ़ कौमी तहरीक की औरत विंग जे जिले अगवाण मुमल से प्यार जो परणो पर बिन्हीं के मैटन की रजामंदी से किया हो। औरतन के हकन तोड़े औरतन की आज़ादी घर या खानदान के फैसलों में औरतन की राय जो एतराम औरतन की इज्जत औरतन की तालीम तरबियत समाजी बराबरी तोड़े कौम की एक जड़ाई इन नरगो पैं पी माँ का सीखियो या किताबन वसीले अड़ो शऊर हासिल कर पर पैंजे घर में उनो हकीकी ओलड़ो पिण डिठो। औरतन की आज़ादी इज्जत एहतराम तालीम बाबत साई जीएम संदन खानदान रोल मॉडल हो। उ कारण हो जो यूरोप के पेरिस जड़े शहर में रहंदे भी हुआ सिंध रिवायतन जा जण ता अमीन हुआ। सियासी या नजरियाती इख्तिलाफ कबो त दलील के बुनियाद से सारंग जी वनी कुछ दिहाड़न लाइ सुर्खन के वर चढ़ी वही घर में नजरियाती बहस जो अणखुट सिलसिलो शुरू थो हो। संस सस सोरो मुड़स डेर एक तरफ तो हुआ बे पासे आखिर हुआ कौमी तहरीक छड़े DSF वारन से सलाहड़ी तरह भी घर में संस एतराम तोड़े कद काठ में कोई फर्क ना आयो। सारंग जी साणस प्रीत भी सागी रही पर नजाती इख्तिलाफ ते बहस जारी रहंद हो। वो सुर्खन के साथ में हुदे भी साई जीएम की सालगिरह से पैं समूरे कुटुंब से सलाहड़ की सन रसंदी हुई। साई जीएम के कचहरीन तोड़े किताबन के वरी वरी पढ़ण रूस के टुटण का जैसे सुर्खन की गचंग मस्जिदू ए मजारू वसायूँ के पीपला लीगला थे तो किन वरी गिची में तवा टंगे गश्त कर खलकू खिलान शुरू क्यों तू भी वापस वरी अची कौमी काफिले से सलाहड़ी हुई। सारंग अजा तीन समझी न सको हो तो संदस वनी संदस दलील या साई जीएम सैद के फिक्री किताबन के वरी वरी पढ़ने का वापस थी या बिन वागुर रोस के टुटण संस जीव झोरे विधो। हु सारंग जिया खुलियल किताब न हुई संस मन में छाही समझण सवलो न हो पर हु हर हाल में सुबह जो भुलियो शाम जो मोटी अचण वाले अमल ते सर हो। सियारे की एक कारी रात ओचितो वर्दियन बिना वर्दियन वारन नकाब पोषण संदन घर जो भितियों रांघे हथियार जा बट कुंदा खणी घर के समूरन भातिन के अघूर निंड मां उथारे हो। असल क्यामत जड़ी रात हुई हुआ घर के टिन्ही मर्दन के मुँह ते कपड़े जो कारियों गोथरियों चाड़े पुठी सा हथ बधे खेन गारगंद कंदे हथियार जा धक हणदे गाड़ी में सथियो वियो हो। लगातार 17 दिन के तशद तजरील का पोई बिन्हीं भैरन के अखियन से पटियों बधी नार के ऋण में छड़ियो वियो हो पर संदन पी वापस न वरियो। लगातार 11 महीना समूरो कुटुंब कौमी तहरीक के कारकुन समेत खबे गुम कैलन लाइ आवाज़ उथारी रो 11 महीनों का बदीन भरसा बनी में टे चचर लाश हथ आया जिनमें एक की सुणप संदन वालिद तौर थी हुई। संदन पी की शहादत के महीनों भी न गुजरियो हो
बई भार शहर शिफ्ट थियण जो फैसलो करे शहर में जाय ॾिसण आयल हुआ त रात जो हिकु भेरो ॿीहर संदन घर ते नकाब पोशन चढ़ाई कई हुई। नकाब पोश ॿिन्ही भाइरनि बाबति पुछा गाछा करे रहिया हुआ ऐं उन दौरान राजन जी वनी खे हिकु नकाब पोश धिको ॾिनो जंहिंजी लोंदड़ी खट जे पाए सां लॻण सबबि सख़्तु ज़ख़्मी थी पई हुई ऐं इहा ज़िंदगी सां साथ न ॾिनो हो। राजन जी शादी खे 7 साल थिया हुआ पर खेसि को औलाद कोन थियो। इलाइक़े में हिरास छायल हो। ॿिन्ही भाइरनि जी गैर मौजूदगी में ई कफ़न दफ़न जो बंदोबस्त इलाइक़े जे क़ौमी कारकुननि कयो हो ऐं शहर क़ासिद मोकिलियो वियो हो त हू वापसि न अचनि जेसिताईं हालतूं बहितर न थियनि। सारनि खे पंहिंजी वनीअ 3 सालनि जी नियाणी मारवीअ 6 महीननि जे पुट दरिया ख़ान जे फ़िक्र रहण न ॾिनो हो ऐं ॿई भाइर वझ वठी क़ौमी साथियुनि जी मदद सां पंहिंजा ॿार कढी आया हुआ पर एजेंसियूं तोड़े नकाब पोश संदन पोयां लॻियल हुआ। साईं जीअम जे विसार खां पोइ क़ौमी तहरीक समेत समूरी सिंध पाण खे छोरो छिनो सम्झणु लॻी हुई। वेतर मुज़फ़र भुटे सराय क़ुर्बान रूपले ॿियनि जोधनि जी शादत खां पोइ सिंध अंदरि थींदड़ मज़ाहिमत एजेंसियुनि उन जे छाड़तनि नकाब पोश बंदूक बरदारनि खे छितो करे विधो हो। जेके झंगली राकास जीअं गभरुनि जे पोयां काहे पिया हुआ उन्हनि ॾिहाड़नि दौरान संदन शहीद वालद जे हिकु वेझे साथी जी सलाह सां आज़रबैजान रस्ते रूस ऐं रूस खां पोइ यूरोप पहुता हुआ जिते मुख़्तलिफ़ मुल्कनि खां थींदा फ्रांस में हिकु बलोच कुमपरस्त जेको संदन वालद जो दोस्त हो जी मदद सां सियासी सामने दरख़्वास्त दाख़िल कई हुयनि। 3 साल केस हलण खां पोइ कंहिं 2 सालनि लाइ कागर ठही मिलिया जंहिंखां पोइ वरी 2 सालनि ऐं बाद में 5 सालनि जी सामतो रखियनि कागर मिलिया हुआ। 2 महीना अॻु खेनि शहरियत ऐं पासपोर्ट मिलियो पर ईंदड़ 8 सालनि ताईं या जेसिताईं पाकिस्तान में सिंधी कुमपरस्तनि लाइ हालतूं बहितर न थियनि पाकिस्तान जो सफ़र न करे सघंदा। कार इंतिहाई सुस्त रफ़्तार सां हली रही हुई। रस्ता कंहिं हद ताईं साफ़ थी चुका हुआ पर रस्ते ते ट्रैफिक इंतिहाई सुस्त रफ़्तार सां हली रही हुई। रस्ते जे कुझु हिसनि ते अञा बर्फ़ मौजूदु हुई। ॿई मुसलसल ख़ामोश हुआ। कंहिं कुझु ॻाल्हाइण या हिकु ॿिए ॾांहुं ॾिसण बि न पिए चाहियो। ईंदड़ महीने ॿारनि जी वीज़ा लाइ कागर जमा कराईंदासीं राजन माठ खे टोड़ींदे चयो। ईरान जी वीज़ा त मिली वई पर बलूचिस्तान जूं हालतूं सिंध खां बि वयल आहिनि। 2-3 महीननि अंदरि ॿार अची वेंदा त पोइ हरूभरू रिस्क छो थो खणे। ॿार त अची वेंदा यार, हुन राजन तरफ़ निहारण खां सवाइ चयो। पर सिंध त कोन ईंदी न, संस गलो भरिजी आयो। अखियुनि में ॻोढ़ा ऐं नीड़ी में सुरकू अटिकी पियसि। हुन ॿिन्ही हथनि जे तरियुनि सां अखियूं उघियूं। एयरपोर्ट ते हुन भाउ खे भाकुरें भरियो ऐं काफ़ी वक़्तु ईअं ई भाकुर में संदसि कुल्हे ते पंहिंजो कंधु रखी अखियूं बंदि करे छॾियईं। राजन बि भाउ खे भाकुर मां कढणु न पिए चाहियो। ॿई हिकु ई वजूद जा 2 पासा महसूसु थी रहिया हुआ। फ्लाइट में थोरो वक़्तु बचियो अथई। राजन भाउ खे इंतिहाई आहिस्तगी सां पंहिंजे ॿाहुनि मां कढंदे चयो। तहरान एयरपोर्ट ते सरवर बलोच जे भाउ खे फ़ोन कजांइ, हूअ तोखे बॉर्डर ते सरवर ताईं पहुचाईंदो ऐं सरवर तोखे कराची रसाईंदो। सरवर या सरवर जो भाउ तोखे जीअं चवनि तीअं कजांइ, किथे बि ज़िद वग़ैरह न कजांइ प्लीज़। हुन सां सॻलनि ते थपकी ॾींदे चयो। हू असां खां वधीक उतां जे हालतुनि खां वाक़ुफ़ु आहिनि। हुन हाकार में कंधु धुणियो, ज़ुबान संस साथ न पिए ॾिनो या लफ़्ज़ न पिए मिलियसि। हुन ॿीहर भाउ खे भाकुर पातो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी में पहिरियों भेरो झुकी पहिरें पवण वारे अंदाज़ में मोकिलायई। राजन खे बि ॼण हाणे हाणे महसूसु थियो हुजे त सारंग जेको संस दोस्त संदसि क़ौमी साथी हो, संस निढो भाउ बि हो, हुन खेसि ग्राठड़ी पाती ऐं सुरकनि में पइजी वियो। ईअं हू मोकिलाए एयरपोर्ट जी इमिग्रेशन वारे हिसे ॾांहुं हलियो वियो। पेरिस खां कतर ऐं कतर एयरपोर्ट खां तहरान ताईं हूअ 12 सालनि जी सिंध खां विछोड़े मारवी दरिया ख़ान पंहिंजी वनी मूमल तोड़े क़ौमी सफ़र जे साथियुनि अमर जे विछोड़े मूमल पारां खेसि लिखियल ख़तनि खे यादि कंदो रहियो ऐं उमे जो हिकु ॾींहुं संदसि मन पाताल अंदरि टिमकी रहियो हो। तहरान एयरपोर्ट ते सरवर बलोच जो निढो भाउ अॻु में ई मौजूदु हो। सरवर बलोच राजन जी यूनिवर्सिटी जो दोस्त हो, जेको यूनिवर्सिटी दौर में बलोच कुमपरस्त पार्टी जी शागिर्द विंग जो अॻुवाण हो। संस भाउ तहरान में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वापार सां लाॻापियल हो।
ईरान पाकिस्तान बॉर्डर ते भी सरवर बलोच अगी मौजूद हो जैसी मदद से वो आराम से लियारी तई पहुतो। लियारी उठ चौंक खा टैक्सी में सवार थी रवानो थियो। सामू पुलिस वारा गाड़ियों चेक करे रहा हुआ पर भरो रेंजर जी चौकी भी हुई जिते रेंजर वारा हथियार से बिल्कुल ही तैयार बीठा हुआ जे दुश्मन मुल्क जे बॉर्डर ते फौजी बीठा होजन। संदस नेड़ी खुशक थियण लगी थुक गई नेड़ी आली कयाई पान के गैर महफूज महसूस करने लगो। 12 साल अग वारे कारे कपड़े जी गोथरी हथ पुठी से बधल अल्फो घाड़ो उबतो टंगल जिसम लतन मुकन लठिन जा वस्कारा सथरन ता वार छिके पटण अकूबत खारण जो बियों अकूबतू सिनेमा जे परदे जहाँ जहन ते हलन लगस। पिए जो चिचर लाश संदस आंगरन जा छिके कढ़ल न रत वलोड़ जण महसूस कयाई जिसम साह सुकंदो महसूस करण लगो। मुखा सुणप लाइ कुछ घुरन त मुंहर त कुछ भी ना सोच अचण ते साह मुठ में महसूस कयाई। फिरांसी पासपोर्ट ते पाकिस्तानी एंट्री जी मुहर भी ना लगल त कीअं ॾेखारबो। हेठे धड़ में साह छॾाईंदे महसूस कयाई। सियारे जी मौसम में जिसम पघरजंदो महसूस थी रहियो होसि। ट्रैफिक जाम हुई जंहिं वक़्त गाॾी थोरो अॻिते अथे वधी त साह रुकजी पई वियो। अॻिते ॾिसण जी हिमत न सारींदे अखियूं बंदि कयाई। जान कोन छुटंदी छा वरंदी ॾींदुसि त कार्ड नेड़े में कंडा लॻण लॻुसि। गाड़ी होरियां होरियां वधण लॻी अखियूं बिल्कुलु बंदि हवास दिलि दिमाग़ जाइ ते न। गाॾी स्पीड वरती अखियूं खुलियाई। टैक्सी ली मार्केट क्रॉस करे रंछोड़ लाइन तरफ़ रवां दवां पक न थियसि। सान में अञा ताईं उथल पुथल हेॾे होॾे ॾिठाई पुलिस रेंजर्स। असां त परे रस्ते सां पिया आयासीं न। हुन पठाण ड्राइवर सां सिंधी में ॻाल्हायो। हू कराची तोड़े हैदराबाद में पंहिंजे पीउ जा सिर्फ़ु सिंधी में ॻाल्हाईंदो पोइ केरु सम्झे या न। संस पीउ चवंदो हो सिंध असांजो वतन आहे ऐं सिंधी असांजी ॿोली। असां पंहिंजे वतन में ॿियनि जी ॿोली छो ॻाल्हायूं। ॿियनि खे हिते रहणो या कारोबार करणो आहे त उन्हनि खे सिंधी सिखणु घुरिजे। ड्राइवर खेसि निहारियो। सिंधी न सम्झंदे बि संस मतिलबु परोड़े वियो हो। उधर पुलिस चेकिंग था ट्रैफिक बहुत जाम था इसलिए गली से निकाल कर इधर आ गया। उन्हें एक डिगो साह भरियो थदे शुकारे सा साह बाहर कढ़ियाई। कार रस्तन ता डोड़ंदी गुलिस्तान जौहर के हदन में दाखिल थी। संस दिल की धड़कन वधण लगी। पैंजे धीए जैके 3 साल की उम्र आई पुट जैके 6 महीनों जो छड़े वो हो हेतरन साल साणन कि मिल संस वनी संदस की आदर भाव कंदी। इंटरनेट स्मार्टफोन न हुजन हा त हूं त पंहिंजे ॿारनि लाइ अॼु मां ओपरो हुजां। संस मन भुणकियो। हुन खीसे मां मोबाइल कढी पंहिंजे ॿारनि तोड़े वञी जूं तस्वीरूं ॾिसणु लॻो। ओचितो दर खोले मूंखे ॾिसी छिरकी वेंदा ॿखे पइजी वेंदा सुरके पइजी वेंदा मन दर पंहिंजे पाण सां ॻाल्हाइणु लॻो। तस्वीरूं ॾिसंदे संस पीउ ऐं माउ जी तस्वीर स्क्रीन ते आई। हिकु ढिघो साह नेड़ी में अटकंदड़ सुरके जो पड़लाव बाबा चई हुन पंहिंजो पाण खे ॻाठड़ी पाती। पीउ खे भाकुरे भरींदो हुजे ॼण ओछगार। ड्राइवर बि महसूसु कई पहिरियां आईने वसीले पोइ पोते कंध वराए खेसि ॾिसंदे पुछाई बेटा ख़ैर थो हे न हिकु ॿियो सुरको। ड्राइवर जवाबु न मिलण ते ड्राइव कंदो रहियो ऐं बार बार खेसि तकिए पियो रहियो। संस अचणु बिल्कुलु लिकल ऐं राज़ में हो। संस वञी सुमेत कंहिंखे बि का बिड़क न हुई। टैक्सी मां लही थेलो बाह में विझी पुठी सां लड़कायाई। राति जो 9:30 पए थिया। सियारे जी राति हूंदे बि एतिरो सीउ न हुओ। भला पेरिस मां आयल खे कराची जो सीउ छा कंदो। ख़ुशी ॻाल्हि विसाल ऐं मेलाप बचण सां 12 साल जो विछोड़ो ॿखे पई लाहिण जी आस। दर केरु खोलींदो पाण खां सुवाल मारवी न न मारवी न दरिया खान खोलींदो। पंहिंजनि सुवालनि जा पाण ई जवाबु ॻोल्हियाई। छा कंदा हूंदा हाणे टीवी ॾिसंदा हूंदा ही मां छा पियो सोचां ॿार थी वियो आहियां सफ़ा। संदसि चपनि ते पाण मुरादो मुर्ख तरी आई। मूं महिल कीअं हूंदी हुन ॾाकणियूं चढ़ंदे सोचियो वीचारे तमामु घणो भुगियो आहे। तमामु वॾी क़ुर्बानी पाण संभालणु ॿार पालणु सन तालीम तरबियत एजेंसियुनि जो ॾहकाव हर 5-6 महीने जॻहि तब्दील करणु केॾा ॾुख ॾिठा अथई। ज़ाल संस दिलि में अथाह प्यार पाबो ऐं एतिराम कर खणणु लॻा। बसि हाणे सदन वीज़ा जो मरहलो मुकमिल थिए त पाण सां गॾु वठी वेंदुसि। सभिनी खे हिकु हिकु करे समूरे विछोड़े जा फटो गुबा। हुन हथ जी तरी सां पंहिंजूं अखियूं उगियूं। पंहिंजे फ्लैट जे दर ते हथ सां ड्राइंग कयल सिंह जो नक्शो ॾिसी उहो मालिक चुमियाई।
नक्शे के हेठा मारवी जो नालो ऐसी समझाई तो संसदी मारवी की ड्राइंग कल है एक अण लिखी खुशी जो एहसास अखियन में चमक से गड मुर्क तरी आयस चपन से पान से गड समूरी सिंध के किंजर का कारो झर तई मुर्कंदे महसूस कयाई कालिंग बेल तरफ हथ वधाई हथ डकन लगस एक भेरो बीहर लिंगन खास तौर हथ में साह छदाई तो महसूस कयाई सजे हथ के खबे हज टेक दई कालिंग बेल जो बटन दबाई कुछ सायद का पुए केर अंदर आवाज आयो उनके सुणे दे वेर में न लगी बाबा मारवी उन जरे घट सुरगने पुछो हा अंकल पर तमा केर मारवी आवाज मां ससुमर जो अंदाजो लगाए पुछो उन पान के झुरंदो महसूस कयो कुलन मां थेलो लाए हेठ रखी भित के टेक दई पंजो पान के सहारो डिनाई पान के बडहका अग टेगोर जी कहानी काबली वाला जो किरदार समझण लगो बुधायो ना वहां केर आयो अंदर मारवी जो बीहर आवाज आयो बाबा दरवाजो खुलियो मां आया हुन पूरी ताकत गड करे जवाब दिनो सस नस नस पंजी धी के राठड़ी पाए पार कढ़ी रुअण लै तड़पी रही हुई माँ माँ केर निहायत मासूमाणे अंदाज में सवाल थियो अंदरा हुन खीसे में मोबाइल फोन बाहर कढ़ी इठाई रूमिंग सपोर्ट करे रही हुई हुन पंजी धी जो नंबर मिलायो रिंग वञण सा गडो गड अंदरा रिंग जो आवाज़ आयो बाबा मारवी फोन अटेंड कर बाबा जानी ऐं अंदर अंदर सुरकन सिसकन जो आवाज़ आयो जण कंहिंजो साह बुसाट थींदो हुजे बाबा रुई छो थी दर खोल हुन पंजनि सुरकनि खे रोकींदे चयो केरा पी अंदरां छोकराणो आवाज़ आयो मारवी जे सुरकनि में वाधारो अची वियो बाबा दरिया खान जी अवां केर बाबा मां अवां जो बाबा जानी दर खुलियो पुटु बाबा जानी चाबी असां वटि नाहे अमी खणी वई आहे काॾे वई आहे तव्हांजी अमी केॾी महिल ईंदी हुन पुट जो आवाज़ बि रुहणाको महसूस कंदे पुछियो बाबा रूओ छो था मां मोबाइल ते वीडियो कॉल कयां थो जेसिताईं तव्हांजी अमी अचे हिते वेही कचहरी था कयूं अनकल आदल सां वई आहे हाणे अचण वारी हूंदी संस पुटु विराणियो हुन मोबाइल ते वीडियो कॉल कई मारवी दर खे टेक ॾियो वेठी हुई दरिया खान संस भर में गुरिन भर वेठो हो मारवी जे सुरकन में माठार अची चुकी हुई मारवी साणस तमामु घणो सलाहड़ियल हुई रात जो सुम्हण खां अॻु खेसि वीडियो कॉल ज़रूरु कंदी हुई जॾहिं खेसि उबाणको महसूसु कंदी हुई त चवंदी हुयसि बाबा जानी मुंहिंजी झोली में मथो रखो त मां अमा मिठीअ वारी लोली ॾियां तव्हांखे ऐं पोइ नंगड़ा निमाणींदा जीवें तीवें पारणा झुगारींदी हुई जेको संस अमड़ हमेशह झुगारींदी रहंदी हुई हुनखे मारवी में पंहिंजी माउ नज़र ईंदी हुई बाबा तव्हांजी अमी कहिड़ी महिल वई आहे या अंकल आदल केरु आहे हुन पुछियो अंकल आदल साम्हूं वारी घटी जी शुरू वारी बिल्डिंग में रहंदो आहे कॾहिं कॾहिं असांजे घर ईंदो आहे त अमी असांखे आंटी फरह सां ॿाहिरि घुमण लाइ मोकिलींदी आहे या वरी पाण अंकल सां हली वेंदी आहे पंहिंजो पाण खे चिकन भितरण जा भुरंदो महसूसु कयाई ॿिन्ही तरफ़नि माठ जहिड़ी ॾाइण पंहिंजी कारी चादर ओढे छॾी हुई सुरकनि जा पड़लाव पंहिंजो आवाज़ु विसारे वेठा हुआ त मारवी जो आवाज़ु गूंजो बाबा जानी मुंहिंजी हज में आहे ऐं पोइ नगड़ा निमाणींदा जीवें तीवें पारण जो आलाप शुरू थियो मारवी जे आवाज़ सां दरिया खान जो झीणो ऐं विसामियल विसामियल आवाज़ बि रजण लॻो त हुनजे चपन बि आलापण शुरू कयो हीअ असांजे दर ते केरु वेठो आहे ॾाकण वारे हिसे मां आवाज़ु आयो त हुन निहारियो मोमल हिकु 22-23 साल जो नौजवान साम्हूं अची रहिया हुआ हीउ उथण लॻो त हू खेसि वेझो अची चुका हुआ अड़े सोट तूं ओचितो कीअं संस वञी खेसि सुञाणींदे पुछियो संस मुंहुं ते इंडलटी रंग उभरी आया ज़रे घटि डोड़ पाए भाकुर भरण लाइ अॻिते वधी त ओचितो संस मुंहिंजा समूरा इंडलटी रंग काफ़ूर थी विया मुंहिंजो रंग हेॾो थी वियसि पंहिंजे हवासनि खे क़ाबू कंदे चयाईं हीअ आदल आहे तोसां ॻाल्हि कई हुयमि न त मारवी जो रिश्तो था घुरनि हिन जा माइट हीउ उहो छोकिरो आहे चवंदे पर्स मां चाॿी कढी दर खोलण लॻी आदल सां हथु मिलायो हुन महसूसु कयो त संस वनी जी थोरी घणी अॻु पैदा थियल गर्मजोशी थधी थी चुकी हुई ऐं हू अखियूं मिलाइण खां लवाए रही हुई हुन पंहिंजो पाण ते कंट्रोल करण लाइ थधो साह भरियो ऐं आदल मौके जी नज़ाकत खे सम्झंदे चयो ठीकु आहे मां हलां थो ऐं बग़ैर कंहिं जवाब जे इंतज़ारु करण जे तकिड़ा क़दम खणंदो ॾाकण जा ॾाका लहंदो हलियो वियो दर खुलियो त मारवी दरिया खान खेसि चरियुनि वांगुरु चुंबड़ी विया ॼण खेसि पंहिंजे वजूद में ओतींदा हुजनि हू बि सभु कुझु विसारे पंहिंजे वजूद जे हिसनि पंहिंजे मारवी दरिया खान सां ॿखे पइजी वियो
हिक भेरो बीहर सुरकन आहुन ऐं दाहुन जा आवाज़ उभरण लॻा। मोमल कुझु देरि ख़ाली पिणे सां खेसि ऐं ॿारनि खे तकींदी रही ऐं पोइ बुर्ची खाने में खाधो गरम करण हली वई। अहिड़े माहौल में मानी कंहिंखे थे वणी। बाबा जानी खाउन मारवी पिणस तरफ़ प्लेट वधाईंदे चयो, ससु हिकु तरफ़ मारवी त ॿिए पासे दरिया खान वेठल हो। ॿिन्ही मानी जा गिरह ॿोड़ में ॿोड़े संस तरफ़ वधाया। हुन न चाहींदे बि पंहिंजो वात खोले ॿिन्ही जे गिरहनि खे भलीकार चई ऐं पाण ॿिन्ही जे वात में गिरह विधाई। बेवफ़ाई न न जबलती ख़्वाहिशूं फितरती घुर्जूं 12 साल भला को घटि अरसो त न आहे न, पर मां बि त 12 साल गुज़ारिया आहिनि। मौक़ा बि हुया, माहौल बि अहिड़ो हो। न न ईअं न आहे, हुनजे मुंहिंजे हालतुनि में फ़र्क़ु हो। मां सॼो ॾींहुं कमकार में मसरूफ़ु, यूरोप जी मशीनी ज़िंदगी वरी मथां ओवर टाइम। ओवर टाइम करण खां पोइ एतिरो थकिजी पइबो हो जो निंड खां सवाइ बि का ॻाल्हि सुझंदी बि कोन हुई। हफ़्तेवार हिकिड़ी मोकल साब घर जी सफ़ाई रिध पचा कपिड़ा धोअण इस्त्री करण में ईअं गुज़री वेंदी हुई ॼण मोकल हुई कोन। हू त सॼो ॾींहुं घर में। कराची जूं हालतूं अहिड़ियूं जो घुमण फिरण या तफ़रीह जा मौक़ा बि मुयसरु न, न को कम कार, न का सियासी समाजी सरगर्मी। बसि रधिणो, ॿारनि जी संभाल, ॿारनि जो स्कूल, उहा ई ज़िंदगी बसि। पोइ त माण्हू डिप्रेशन जो शिकार थींदो ई न। अकेलाई त खाइण ईंदी हूंदी न। मथां वरी एजेंसियुनि जे डप सभु विरोज़ पिया। मोबाइल नंबर मटाइजनि, दिलि खोले हाल अहिवाल बि न ॾेई वठी सघजनि त पोइ ज़िंदगी त जहन मिसली लॻंदी न। हू ॿारनि सां फिरांसीं सफ़र जा हाल अहिवाल बि करे रहियो हो त अंदरि ई अंदरि पाण सां झेड़े बि रहियो हो। हुन मूमल तरफ़ निहारियो हो, सुफ़े ते गुमसुम वेठी हुई, बिल्कुलु बुत बणियल हुई ॼण। हुनखे पंहिंजे रहबर जो दियार दिल दास्तान मोहबत यादि अची वियो। रहबर जेको संस माउ ऐं पीउ जो रोल मॉडल हो, जंहिं दियार दिल दास्तान मोहबत में मोहबत ऐं जबलती ख़्वाहिशनि खे अलॻि करे रखियो हो। असांजो वञियूं, असांजूं केतिरियूं शौरी ग़लतियूं बि माफ़ु करे छॾियनि, पर असीं मर्द न यार न, मुंहिंजो वर्ताउ ठहे कोन थो। मोमल जी ग़लती में मोमल खां वधीक असांजो हालतूं, असांजो समाज, असांजी ग़ुलामाणी हैसियत ज़िमेवार आहिनि। हू थियो मोमल जे ॿाहुनि खां वठी खेसि उथारियईं। सॉरी मोमल, मूंखे माफ़ु कजे प्लीज़, मां तुंहिंजो ॾुहारी आहियां। 12 सालनि जे हिकु मिंट जी महिरूमी लाइ मां तुंहिंजो ॾोही आहियां। मोमल जे अखियुनि जा बंद टुटी पिया, ॿई भाकुरे पइजी विया। नेड़ियुनि में अटकियल सुरकनि जो उभ ॾारींदड़ आवाज़नि सां माहौल बि सुरकी उथियो। दरिया ख़ान ऐं मारवी बि अची पीउ माउ जे बख में भाईवार थिया। संदन अखियुनि मां ॻोढ़ा ॻड़ी दरिया ख़ान ऐं मारवी जे वारनि में जज़्ब थी विया। हीअ ख़ूबसूरत कहाणी जेका लिखियल हुई ख़ूबसूरत कहाणीकार ऐं लेखक सूर्य सिंधी जी, जंहिंजो उनवान हो नेड़ी में अटकियल सुॾको, असीं हले पेश करे रहिया हुआसीं। इन्हीअ ते ई प्रोग्राम सोच वीचार जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो। पंहिंजे मेज़बान हबीब लगारी खे इन साॻी दुआ सां ॾींदा इजाज़त। वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा, सदा देस परदेस सारा वसन। कॾहिं सींध सिंधी न मेरी थिए, कॾहिं मोड़ कंहिंजा न मुरछाइजनि। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो। सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक्तिसादियात, तारीख, कौमी उमंगुन ए इखलाकियात मुतालिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती सा प्यार कंदड़ अदीबन, दानिश्वरन, सहाफिन, उस्तादन, वकीलन ऐं हर तबके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शौरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था। अचो त गॾिजी सूफ़िन ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं।
एक नए सुबह की शुरुआत जो पड़ा दो घर घर गोठ गोठ शहर शहर ताई पहुंचायो शाल सिंध आबाद खुशहाल थिए सिंधी मानू सुखियो सतावो थिए।